अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर एमन परवेज़ और आज का हमारा टॉपिक है म्यूकेन सस्पेंशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि म्यूकेन होता क्या है, इसके यूजेस क्या होते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, उसके अलावा इसकी प्रिकॉशंस क्या होती है या इसको लेते हुए आपको किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि म्यूकेन होता क्या है। म्यूकेन तेज़ाबियत और एसिडिटी में यूज़ होने वाली बहुत ही ज़्यादा कॉमन मेडिसिन है और इसको अक्सर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं पेट की एसिडिटी वगैरह के लिए। इसका काम ये होता है कि ये आपके पेट के अंदर प्रोड्यूस होने वाला जो एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करता है और इसको क्लिनिकल टर्म्स में एंट एसिड कहते हैं। अब हम बात करेंगे म्यूकेन के यूजेस के बारे में। सबसे ज़्यादा जो म्यूकेन जिस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है वो सबको पता है कि सीने की जलन या हार्ट बर्न के लिए इसको यूज़ किया जाता है। उसके अलावा इसको पेट की तेज़ाबियत और पेट के अल्सर में भी दिया जाता है। इनडाइजेशन वगैरह के पर्पज़ के लिए भी अक्सर डॉक्टर इसको दे देते हैं कॉम्बिनेशन दूसरी मेडिसिन के साथ। उसके अलावा ये आपके पेट में या आंतों की जो सोजिश होती है उसके लिए भी यूज़ होती है। खाने की नाली की जो सोजिश हो जाती है उसमें भी यूज़ होती है। और एक कंडीशन होती है एसिड रिफ्लक्स के नाम से, जिसमें पेट का एसिड जो होता है वो खाने की नाली में आना शुरू हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी इसको डॉक्टर अक्सर देते हैं। अब हम बात करेंगे म्यूकेन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, जिसमें सबसे कॉमन इसका साइड इफ़ेक्ट जो होता है वो होता है कॉन्स्टिपेशन। उसके अलावा इससे बहुत से लोगों को भूख नहीं लगती इसके इस्तेमाल करने के बाद, या उसके अलावा कुछ लोगों को नोज़िया वॉमिटिंग की फीलिंग होती है, कन्फ्यूजन की फीलिंग होती है, ड्राई माउथ हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है। उसके अलावा थकान वाली फीलिंग हो सकती है, इसके इस्तेमाल से चक्कर आ सकते हैं या लूज़ मोशन भी हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे म्यूकेन के प्रिकॉशंस के बारे में, यानी आपने म्यूकेन इस्तेमाल करते हुए किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। सबसे पहले तो उसमें यह है कि आपको इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है अगर आपकी कोई सर्जरी होने वाली है या आपकी आंतों में कोई ब्लॉकेज है या आपके अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन है या इन्फेक्शन की शिकायत है। और उसके अलावा अगर आपके पेट में ब्लीडिंग की शिकायत है या आपको जो है सीवियर डायरिया या लूज़ मोशन की बीमारी है। उसके अलावा कुछ मेडिसिन के साथ इस्तेमाल करते हुए भी आपने ख़ास ख्याल रखना है, जैसे अगर आप किसी बीमारी के लिए स्टीरॉइड्स इस्तेमाल करते हैं तो आपने बहुत ख़ास ख्याल रखना है इसको इस्तेमाल करते हुए। या आप कोई एंटी फंगल इस्तेमाल करते हैं मेडिसिन जो डॉक्टर अक्सर दे रहे होते हैं डिफरेंट इन्फेक्शंस के लिए, तो उसको इस्तेमाल करते हुए भी आपने इसको ख़ास ख्याल रखना है। उसके अलावा जो है आप अगर कोई हर्बल सप्लीमेंट्स वगैरह लेते हैं जैसे, या मल्टी वाइटामिन सप्लीमेंट लेते हैं, तो भी आपने ख़ास ख्याल रखना है इसको इस्तेमाल करते हुए। और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स जो होती हैं वो भी इसको अगर इस्तेमाल करें तो कोशिश करें कि डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इसको इस्तेमाल करें।